गुड मॉर्निंग क्लास. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 7.1, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है. बहुत बार आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है. सो सी द क्वेश्चन. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगुलर पैरेललोपॉइड दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द एलिप्सॉइड. ये आपको एलिप्सॉइड की इक्वेशन गिवन है. एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1. आपको वॉल्यूम को लार्जेस्ट मतलब मैक्सिमाइज करना है. किसकी? रेक्टेंगुलर पैरेललोपॉइड की. ठीक है. और आपको गिवन क्या है? इक्वेशन ऑफ एलिप्सॉइड. अब देखो, एलिप्सॉइड है, मैं अब आपको 2D में बना के दिखा सकती हूँ. मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर टू 1, जो कि आप 12th क्लास में देखते थे. तो ये आपका एलिप्स है ना, ये ए और ये बी. ठीक है. इसके अंदर आपने एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपॉइड डालना था. ठीक है. रेक्टेंगुलर पैरेललोपॉइड डालोगे तो देखो ये कितना है, एक्स, और ये एक्स. तो टोटल कितना हो जाएगा? 2x इसकी क्या है लेंथ, और ब्रेथ कितनी हो जाएगी? ये हिस्सा वाई, तो ये भी वाई. तो टोटल कितना हो जाएगा? 2y. सिमिलरली इसको 3D में नोटिस करेंगे आप, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? 2z. तो बेसिकली आपका जो पैरेललोपॉइड है, रेक्टेंगुलर पैरेललोपॉइड, जो आपको इस गिवन एलिप्सॉइड में डालना है, 3D फिगर है, ओरिजिन क्या है? 0, 0, 0. उस रेक्टेंगुलर पैरेललोपॉइड की लेंथ, ब्रेथ, हाइट क्या हो जाएगी? 2x, 2y एंड 2z. ये इसके डायमेंशन हो गए. और हमें किसको वॉल्यूम, हमने किसको मैक्सिमाइज करना था? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपॉइड की. तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. तो वॉल्यूम क्या आ जाएगी? 2x इंटू 2y इंटू 2z, मतलब 8xyz. ये मेरी वॉल्यूम है किसकी? पैरेललोपॉइड की. और मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है. तो ये आपका फंक्शन f हो जाएगा. ठीक है. इसको हम करेंगे. अब देखिए, उसके बाद आप लोगों को यहां से जो आपको गिवन होती है कंडीशन, वहां से हम एक वेरिएबल, क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है? दो वेरिएबल में चाहिए होता है ना फंक्शन fxy का, xy का. z नहीं चाहिए, तो z को रिमूव करूंगी. लेकिन यहां से तो मुझे z स्क्वायर की वैल्यू मिल सकती है ना, z की तो मिल नहीं सकती. तो मैंने क्या कर दिया, इसलिए दोनों तक स्क्वायर कर दिया. तो ये क्या आ जाएगा? वी स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर. मतलब वी स्क्वायर आ गया 64, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. जेड स्क्वायर की वैल्यू मैं यहां से निकाल दूंगी. देखो जेड स्क्वायर क्या आएगा, पहले इसको पकड़ के रखो, क्या आएगा? 1 - x² / a² - y² / b² और फिर इस चीज को डिवाइड करवा रहा है, क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में. तो फाइनली आपकी जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? सी स्क्वायर इंटू 1 - x² / a² - y² / b² तो फाइनली आपके पास बी स्क्वायर क्या निकल के लाया? 64 सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. अंदर ले जाती हूँ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई की पावर 4 अपॉन बी स्क्वायर. ये आपका क्या है? बी स्क्वायर आया है. हमें वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना था. वी की जगह मैं किसको मैक्सिमाइज कर रही हूँ? वी स्क्वायर को. उसे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो वी स्क्वायर को अब मैं क्या मान लूंगी? अपना फंक्शन एफ. किसका? दो वेरिएबल एक्स वमा वाई का. मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है. और आपको मैक्सिमाइज कैसे करना है आप जानते हैं. सबसे पहले क्या निकालेंगे आप लोग? डेल एफ अपॉन डेल एक्स. मतलब इस एफ फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कीजिए. इस पूरे का 64 सी स्क्वायर आ जाएगा. एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा? 2x वाई स्क्वायर माइनस इसमें एक्स की पावर 4 का 4x क्यूब वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2x वाई की पावर 4 अपॉन बी स्क्वायर. ये आपका डेल एफ अपॉन डेल एक्स है. सिमिलरली डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालेंगे. मतलब एफ का पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में. तो क्या आ जाएगा? 64 सी स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर 2y माइनस एक्स की पावर 4 2y अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 4y क्यूब अपॉन बी स्क्वायर. क्लियर है? डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई निकाल दिया. उसके बाद एक्सट्रीम वैल्यूज या स्टेशनरी पॉइंट्स सब कैसे निकालते थे? डेल एफ अपॉन डेल एक्स को 0 रखते थे और डेल एफ अपॉन डेल वाई को 0 के इक्वल रखते थे. तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स आप लोगों को कितना आया? ये आया. इसमें से 2 मैंने बाहर निकाल दिया कॉमन. तो ये 64 टू 128 सी स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स 2x क्यूब वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स वाई की पावर 4 अपॉन बी स्क्वायर बच जाएगा इक्वल टू 0. और दूसरी इक्वेशन यहां से 128 सी स्क्वायर. और मैंने क्या कॉमन निकाला इनमें से? ध्यान से देखिए, x की लीस्ट पावर क्या है यहां पर? स्क्वायर. और y की 1. तो एक्स स्क्वायर वाई भी कॉमन निकाला. ठीक है. इसमें से मैंने क्या कॉमन निकाला है? डेल एफ अपॉन डेल एक्स में से 2 कॉमन निकाला है और साथ में एक्स वाई स्क्वायर कॉमन निकाला है, क्योंकि लीस्ट पावर x की यहां पर सबके पास 1 है और y की स्क्वायर है. तो एक्स वाई स्क्वायर कॉमन और यहां से क्या कॉमन निकाला है? 2x² y. कॉमन निकालने के बाद ये आए हैं आपके. और फिर डेल एफ अपॉन डेल एक्स को भी 0 रख दिया और डेल एफ अपॉन डेल वाई को भी 0 के इक्वल रख दिया. फिर दो चीजों का प्रोडक्ट 0, मतलब या तो ये चीज 0 या फिर ये चीज 0. ठीक है. तो पहले इनको 0 के इक्वल रखो, इसको भी 0 के इक्वल रख दिया एंड इधर से इसको भी 0 के इक्वल रख दिया. इन दोनों को सॉल्व करके एक्सट्रीम पॉइंट्स निकाल रही हूं. तो 2 एंड 3 को मैंने कैसे सॉल्व किया? मैंने 3 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया ताकि 1 से 1 खत्म हो जाए. क्या मिलेगा? माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2x² / a² सॉल्व करके क्या आ जाएगा?
सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 2, सॉरी 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करो, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो 1 में से बन गया 0, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस 2x² अपॉन a स्क्वायर प्लस x² अपॉन a स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस x² अपॉन a स्क्वायर, फिर माइनस y² अपॉन b स्क्वायर प्लस 2y² अपॉन b स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस y² अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू में 0। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, bx अपॉन a, ठीक है, उधर लेके जाएंगे इसको तो bx अपॉन a आ जाएगा y, उसके बाद ये जो y की वैल्यू है उसको क्या कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे, कौन सी किसी भी इक्वेशन में 2 या 3 में जब पुट किया तो वहां से मेरे पास ये आएगा रिलेशन, और वहां से फिर मेरे पास फाइनली x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x² इक्वल टू a² बाई 3, मतलब x आ जाएगा a बाई रूट 3, ठीक है। तो हमारे पास x आया है a बाई रूट 3 और मेरे पास y कितना आया था, देखो bx अपॉन a, x यूज हो रहा था तो x की वैल्यू डाल दो a अपॉन रूट 3, तो y फाइनली क्या निकल के लाएगा, b अपॉन रूट 3। अब x आ गया a बाई रूट 3, y आ गया b बाई रूट 3, फिर z की वैल्यू कैसे निकालोगे इस रिलेशन में से, है ना, z स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाली थी हम लोगों ने यहाँ से, 1 माइनस x² अपॉन a स्क्वायर माइनस y² अपॉन b स्क्वायर इनटू में c स्क्वायर मल्टीप्लाई में चला गया था, उसके अंदर x और y की जो वैल्यूज आई वो पुट कर दूंगी और फाइनली सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकालूंगी, देखो z स्क्वायर की, ठीक है, ये स्टेप्स करे मैंने, z स्क्वायर आपके पास फाइनली सॉल्व करके देखो, b स्क्वायर कट जाएगा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो z स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन 3, मतलब z कितना आगे रूट लगाएंगे, c अपॉन रूट 3, तो फाइनली x आया है a बाई रूट 3, y आया है b बाई रूट 3, z आया है c बाई रूट 3। तो आपका एक्सट्रीम पॉइंट तो किससे मिलकर बन रहा है, x और y से ना, क्योंकि आपने f फंक्शन किसका उठाया था, x कॉमा y का, तो x और y की वैल्यू क्या आई है, a बाई रूट 3 कॉमा b बाई रूट 3, क्योंकि y आया है b बाई रूट 3, x आया है a बाई रूट 3, तो आपका एक्सट्रीम पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट क्या बना है, a बाई रूट 3 कॉमा b बाई रूट 3 स्टेशनरी पॉइंट है। इस पॉइंट पे आपको क्या चेक करना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बन रही है, मिनिमम वैल्यू, उसके लिए क्या निकालते थे, ए बी और सी, ए क्या होता था, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, मतलब जो आपने डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकाल के लाए उसका फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो बाहर ही रहेगा, इसमें क्या हो जाएगा, 2y² माइनस 12x² y² अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2y की पावर 4 अपॉन बी स्क्वायर, है ना। सिमिलरली बी निकालेंगे जो कि डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई से आएगा, सी निकालेंगे जो कि डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, मतलब जो आपने डेल एफ अपॉन डेल वाई निकाला उसका फिर से वाई के रिस्पेक्ट में कीजिए, और फिर इन ए बी सी में ये पॉइंट पुट कर देंगे, आपका पॉइंट क्या आया है स्टेशनरी, ए बाय रूट 3 कॉमा बी बाय रूट 3, जैसे ये पॉइंट आप पुट करेंगे तो आपका a आ रहा है माइनस 512 अपॉन 9 बी स्क्वायर सी स्क्वायर विच इज लेस देन 0, मतलब नेगेटिव है, b आप लोगों का आ रहा है सॉल्व करने के बाद माइनस 256 अपॉन 9 ए बी सी स्क्वायर, सी आ रहा है अगेन माइनस 512 अपॉन 9 ए स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर मुझे किसकी वैल्यू निकालनी थी, ए सी माइनस बी स्क्वायर, जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो कुछ ये क्वांटिटी आ जाएगी जो कि पॉजिटिव साइन की, मतलब ग्रेटर देन 0 है, और अगर आपका ए सी माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होता तो हम a की वैल्यू चेक करते थे, a आप लोगों का कैसा है देखिए, माइनस में आया था ना, नेगेटिव है, तो जब ए सी माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो और a आपका लेस देन 0 है, सॉरी हाँ, है ना, a इज लेस देन 0, तो आपका ये जो पॉइंट है a बाय रूट 3 कॉमा b बाय रूट 3 कैसा पॉइंट बना है, fx y के लिए मैक्सिमम पॉइंट बना है, और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, हम ये f आप लोगों का क्या था, बी स्क्वायर ना, अब किस पे बना है हमारा मैक्सिमम, ए बाय रूट 3 कॉमा बी बाय रूट 3, एक्स है ए बाय रूट 3 और वाई है बी बाय रूट 3 और जेड कितना आया था इसमें, सी बाय रूट 3, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगी हमारी, क्या थी पैरेलल पॉइंट की वॉल्यूम, 8xyz ना, x की वैल्यू a बाय रूट 3 इंटू वाई की बी बाय रूट 3 और z की c बाय रूट 3, मतलब 8abc अपॉन 3√3 क्या है, मैक्सिमम वॉल्यूम इस पैरेलल पॉइंट की, क्लियर है ये क्वेश्चन।